A can do a piece of work in 25 days and B can finish it in 20 days. They work together for 5 days and then A leaves. In how many days will B finish the remaining work? तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर A किसी वर्क को 25 डेज में कंप्लीट करता है, वहीं B अगर अकेले करे तो वो 20 डेज में उस चीज़ को कंप्लीट करेगा। तो क्वेश्चन में एक कंडीशन दी है कि अगर A और B दोनों साथ में 5 दिन तक साथ में कार्य करते हैं, उसके बाद A वर्क को लीव कर देता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिमेनिंग वर्क को B कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो पहले लिख लेंगे इज वन डे वर्क, ये हो जाएगा 1/25। अब बी का लिख लेंगे, बी इज वन डे वर्क, ये हो जाएगा 1/20। अब दोनों साथ में कार्य करेंगे तो उन दोनों का वन डे का वर्क लिख लेंगे, ए प्लस बी वन डे वर्क इज इक्वल्स टू 1/25 प्लस 1/20। यहाँ एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 100। अब 25 फोर जा 100 होता है तो 4 × 4 आ जाएगा, 25 × 100 5 × 5 तो ये आ गया 9/100। अब क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि दोनों ने 5 दिन तक साथ में काम किया, तो 5 डे का वर्क निकाल लेते हैं दोनों का। तो ए प्लस बी 5 डे वर्क तो इसके लिए हम वन डे के वर्क में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 9/20। अब ये 5 डे का वर्क है, अब यहाँ पे इसके बाद ए ने लीव किया है तो जो टोटल वर्क होता है वो 1 होता है। तब रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं कितना बचा। रिमेनिंग वर्क के लिए 1 में से हम इस अमाउंट को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 1 − 9/20। इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हो जाएगा 20 − 9/20। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा 11/20। अब इसी रिमेनिंग वर्क को बी को अकेले करना है तो बी का वन डे का वर्क था 1/20। तो अब टाइम निकालने के लिए रिमेनिंग वर्क को वन डे के वर्क से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं टाइम रिक्वायर्ड बाय वी टू डू द रिमेनिंग वर्क। तो ये आ जाएगा 11/20 डिवाइड बाय बी का वन डे का वर्क था 1/20। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ तो 11/20 डिवाइड से ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये हो जाएगा 20, 20 से 20 कट जाएगा तो यहाँ आंसर आ जाएगा 11 डेज़।